नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब सीखेंगे कि नोट पैड को किस तरीके से यूज किया जाता है। इस वीडियो में मैं फुल्ली आपको नोट पैड का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में मैं आपको सारे टेक्स्ट एडिटर्स का ट्यूटोरियल दूंगा, लाइक एज वर्ड पैड या एमएस ऑफिस की बात करें तो उसमें जितने भी टेक्स्ट एडिटर होते हैं, जितने भी वर्जन आए 2010 2013, वो सबके आने वाले टाइम में देने वाला हूँ। और दोस्तों, यहाँ मैं नोट पैड से क्यों शुरू कर रहा हूँ, इतनी बेसिक सी चीज़ों से क्यों शुरू कर रहा हूँ, ये एक सवाल आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। तो आपके दिमाग के ये सवाल को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो नोट पैड है वो सबसे बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। अगर आप टेक्स्ट एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप नोट पैड से ही शुरू करें। दोस्तों, इससे होगा क्या कि जो नोट पैड का इंटरफेस है वो बहुत ही नॉर्मल और बहुत बेसिक सा है। इसको सीखने के बाद आपके दिमाग में एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा और आप टेक्स्ट एडिटर के टूल से थोड़ा सा थोड़ा मतलब जान जाएंगे कि ये ऐसे यूज करते हैं, बोल्ड करते हैं, फॉन्ट को कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद जब आप कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में जाएंगे या तो कहूँ ऐसे टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको सीखना ईजी हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप नहीं सीख सकते हैं कॉम्प्लेक्स को, ये तो अपने अपने लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप नोट पैड से सीख के जाते हैं तो आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। नोट पैड भी एक टेक्स्ट एडिटर ही है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। तो दोस्तों, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है राजा आर्यन और आपने प्ले किया है चैनल ब्रोच नाउ। और दोस्तों, मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूं, तो यहां पे इस चैनल पे आपको एजुकेशन, कैरियर और आईटी से जुड़ी सारी वीडियोस मिल जाती हैं, टेक्निकल वीडियो मिल जाती हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम यहाँ पे सीखेंगे पूरा का पूरा नोट पैड। और दोस्तों, ये नोट पैड सीखने के बाद, यहाँ ये वीडियो देखने के बाद, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोट पैड सीखने के लिए। बाकी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं नोट पैड। लेकिन उससे पहले हम ये सीखेंगे कि हम अपने विंडोज में नोट पैड को कितने तरीके से खोल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो ओएस है, वो है विंडोज 10। आपका 7, 8, 10 कुछ भी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोट पैड सब में एक ही तरह होता है। तो दोस्तों, नोट पैड को कितने तरीके से खोल सकते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो सबसे जो ईजी तरीका है वो ये है कि यहाँ हम सर्च बॉक्स में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नोट पैड, NOTPAD। यन लिखते ही आ गया था, लेकिन नोट पैड पूरा लिख दीजिएगा, नोट पैड यहाँ आपके ऊपर दिख रहा होगा आपको डेस्कटॉप ऐप करके। तो दोस्तों, यहाँ इसको क्लिक कर देना है, नोट पैड आपका खुल गया। इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। ये पहला तरीका था नोट पैड को खोलने का। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे तरीके पे। तो जो दूसरा तरीका है वो है, आपको विंडोज बटन में जाना है, आपको ढूंढना है विंडोज एसेसरीज। तो डब्ल्यू पे चलते हैं, तो यहाँ आपको विंडो एसेसरीज यहाँ दिख रहा होगा, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे, यहाँ नोट पैड यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये नोट पैड सामने खुल के आ गया। ये दूसरा तरीका था। दोस्तों, एक और तरीका बताता हूँ जिसमें आपको करना क्या होगा, विंडोज आर प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से, विंडोज और आर बटन, इसमें नोट पैड लिख के सर्च कर देना है। जैसे यहाँ पर सर्च हुआ है, लिख दीजिए NOTPAD नोट पैड। तो दोस्तों, ये आपका नोट पैड खुल के सामने आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि इतने तरीके से मैंने नोट पैड खोला। अब एक सबसे इजी तरीका है कि यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे आइए, उसके बाद फिर यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आइए। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके डेस्कटॉप पे बन गया है। अब आप इसको डबल क्लिक कीजिए और आपका नोट पैड खुल गया है। तो दोस्तों, इतने तरीके से नोट पैड खुलता है, और भी तरीके हैं खोलने के। ये जो न्यू और डेस्कटॉप वाला है, ये बहुत जल्दी से खोलते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि नोट पैड एक टेक्स्ट एडिटर है। और दोस्तों, ये एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर है जिसका हम बहुत यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। हम आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने कहा कि तुरंत ये लिखना है, तो तुरंत आपने अपना लैपटॉप लिया, न्यू किया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किया और तुरंत आया नोट पैड पर और कुछ भी लिखने लगे, जो भी लिखना हो। मैं तो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ रैंडम, तो कुछ भी आप लिखने लगे। तो दोस्तों, इस तरीके से नोट पैड हम खोल लेते हैं। अब चलिए सीखते हैं नोट पैड को पूरा अच्छे तरीके से, कि नोट पैड कैसे हम यूज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ चलता हूँ, नोट पैड लिखूँगा जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ नोट पैड पर क्लिक कर दूँगा। ये सामने नोट पैड आ गया, इसको मैक्सिमाइज कर लूँगा। तो दोस्तों, अब बारी आई, ये है नोट पैड का इंटरफेस। इंटरफेस जानने के बाद इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 5 मेनू है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प की।
तो दोस्तों ये चार पांच मेनू का ही सारा खेल है। इस पूरे नोटपैड में यही चार पांच मेनू को सीखना है और इस मेनू को सीखने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे नोटपैड में। तो चलिए मैंने कुछ कॉपी करके रखा है अपने क्लिपबोर्ड में, पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट कर दिया मैंने पूरा नोटपैड, ये आ गया। अब मान लीजिए आपने ऐसे अपने नोटपैड में कुछ लिखा, ठीक है, आपने अपने नोटपैड में इस तरीके से कुछ लिखा। अब आपको इसी नोटपैड में मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा ऐसे लिखने के बाद आप किस तरीके से और टूल्स का और मेन्यू का यूज करके अलग अलग सेटिंग्स कर पाएंगे, चीज़ों को इजी बना पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे जो फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू और हेल्प है इनके शॉर्टकट से। तो दोस्तों इनको मेन्यू बोलते हैं, ये जो ऊपर पाँचों हैं इनको मेन्यू बोलते हैं। और दोस्तों हर मेन्यू का अपना एक शॉर्टकट की होता है, लेकिन जब भी हम नोटपैड में मेन्यू का शॉर्टकट की डायरेक्ट इस मेन्यू का शॉर्टकट की लेते हैं तो उसके लिए हमको अल्ट प्रेस करना होता है, जो आपके विंडोज़ बटन के बगल में कीबोर्ड के पास ALT होता है उसको प्रेस करके लेना पड़ता है। तो हम उसका शॉर्टकट कैसे जानेंगे इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको एक बार अल्ट प्रेस कर देना है। अब देखिए हर मेन्यू के नीचे एक किसी करेक्टर के नीचे अंडरलाइन हो गया है, जैसे फाइल में F हो गया है, देख रहे होंगे, एडिट में E हो गया है, फॉर्मेट में O हो गया है, व्यू में V हो गया है और हेल्प में H हो गया है। तो दोस्तों अब आप Alt के साथ अगर प्रेस कर रहे हैं इस अंडरलाइन जो भी करेक्टर्स हैं तो सीधा आप उस मेन्यू को ओपन कर लेंगे बिना माउस के, मतलब शॉर्टकट की हेल्प से। चलिए मैं एक बार माउस से क्लिक करके दिखाता हूँ। फाइल पे मैंने फाइल पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस खुल गए फाइल मेन्यू के। तो दोस्तों अगर मैं इसको मुझे खोलना हो मतलब कीबोर्ड से शॉर्टकट से तो मैं Alt+F कर दूंगा। तो देखिए ये तब भी खुल जा रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मेट को खोलना है तो मुझे O प्रेस करना पड़ेगा, O की प्रेस करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि F यहाँ पहले से ही फाइल में F ऑक्यूपाई करके रख चुका है तो यहाँ O का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर O के नीचे अंडरलाइन है। तो हम Alt के साथ O करेंगे दोस्तों, तो ये देखिए फॉर्मेट मेनू का ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना अल्ट और की का यूज करके, सारे ऑप्शंस की का यूज करके, मेन्यू की का यूज करके हम शॉर्टकट तरीके से खोलते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सारे मेन्यू को सीखेंगे। सबसे पहले फाइल मेन्यू से मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ फाइल मेन्यू में जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर न्यू, ओपन और बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो दोस्तों एक चीज़ पहले आपको बता दूँ कि हर ऑप्शन के सामने कोई ना कोई आपको मैक्सिमम ऑप्शन में शॉर्टकट की देखने को मिल जाता है, कुछ में नहीं देखने को मिलता है। तो मैं आपको लास्ट में कोशिश करूंगा कि एक मतलब पेज जोड़ दूं इस वीडियो में जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और कुछ जो शॉर्टकट्स इसमें नहीं दिए हुए हैं वो आप जान जाएं। तो दोस्तों हर शॉर्टकट को आपको याद करके रखना है, प्रैक्टिस में ले आना है, क्योंकि शॉर्टकट ही एक ऐसा हथियार है जो आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट बनाता है। नोटपैड या किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो आप एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि वो आपका टाइम बचाता है और ये भी शो करता है कि आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा माउस के पीछे नहीं भागते हैं, अपना सारा काम मैक्सिमम कीबोर्ड से ही कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यू से। तो दोस्तों जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो तुरंत ही ये खुल के आ जाएगा एक नया डॉक्यूमेंट मेरे यहाँ पे सामने स्क्रीन पे। तो दोस्तों मैं आपको न्यू क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने न्यू क्लिक किया, ये सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो अभी मैं सेव नहीं करता हूँ, सेव वाले ऑप्शन पे बाद में आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं डोंट सेव कर देता हूँ, तो ये देखिए एक नया डॉक्यूमेंट खुल के आ गया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया न्यू, नया डॉक्यूमेंट खुल के आ गया। अब मुझे फिर से मेरा वही डॉक्यूमेंट ले आना है, तो मैंने इसको कॉपी करके रखा है तो मैं तो लेते ही आऊँगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हो गया न्यू का, जो दूसरा ऑप्शन है वो है ओपन का। अब मान लीजिए मैंने पहले से ही कुछ सेव करके रखा है या आपने पहले से ही कुछ सेव करके रखा है तो आप खोल सकते हैं। तो ओपन में जाएंगे, तुरंत इसको पूछेगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं कि नहीं सेव करना चाहते हैं, तो डोंट सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने किसी भी मतलब किसी भी डिस्क में या कहीं भी किसी भी ड्राइव में आपने सेव करके रखा है किसी भी फोल्डर में, उस फोल्डर को क्लिक कीजिए। और यहाँ जैसे ही आप ओपन क्लिक करेंगे, अभी तो मैंने कोई सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने कुछ सेव करके नहीं रखा है नोटपैड का, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओपन, तुरंत ही वो आपका डॉक्यूमेंट नोटपैड वाला खुल के सामने आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन था। दोस्तों अब तीसरा ऑप्शन आता है सेव का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसे सोचा पहले ही बता दूँ लेकिन अभी भी बताता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे दोस्तों आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बनाते हैं अपने नोटपैड में, तो सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि उसे सेव कर लिया जाए, क्योंकि पावर कनेक्शन कभी कभी लॉस्ट हो जाता है और हमारी की गई मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप कुछ लिख रहे हैं
यहाँ पे। और जैसे ही आपने तैयार कर लिया कुछ लिख के, तुरंत ही उस पर जाइए फाइल पे और उसे सेव कर लीजिए किसी नाम से। मान लीजिए अब मैं ये फाइल है अपना ये सेव करता हूँ नोट वन के नाम से। तो नोट वन, तो दोस्तों नोट वन के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये देखिए ऊपर जो अनटाइटल्ड आ रहा था वो नोट वन के नाम से नोट वन नोट पैड आ गया, इसको मैंने सेव करके रख लिया है। अब दोस्तों इसी तरीके से आगे ऑप्शन में बढ़ेंगे तो दूसरा है सेव एज। अब आप सोच रहे होंगे सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेव में हम जो मैंने रखा है एक नया फोल्डर बना के उसे सेव किया, एक नया नाम दिया, सेव कर लिया कि बाद में मैं उसे फिर से यूज कर पाऊँ, कुछ एडिट कर पाऊँ। और सेव एज एक कॉपी का ऑप्शन है, समझिए कि इसको भी सेव ही करना है, किसी दूसरे नाम से एक नया कॉपी क्रिएट कर देना है। या तो मान के चलिए कुछ नया कुछ एडिट किया हमने, फिर उसको दूसरे कॉपी में सेव करना चाहते हैं या उसी कॉपी में सेव करना चाहते हैं, तब भी हम सेव एज कर सकते हैं। तो दोस्तों सेव और सेव एज में यही डिफरेंस है, सेव एज एज अ कॉपी यूज किया जाता है, एक सिंपल वर्ड्स में बोल दूँ तो। और दोस्तों उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ गया पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। तो दोस्तों पेज सेटअप प्रिंट के लिए यूज करते हैं, प्रिंट का ऑप्शन आप जानते हैं प्रिंटर पे हार्ड कॉपी प्रिंट देने के लिए, उसके साथ साथ एग्जिट पूरा का पूरा ये प्रोग्राम छोड़ के बाहर आने के लिए, ये इंटरफेस ये विंडो छोड़ के बाहर आने के लिए एग्जिट का यूज करते हैं। तो ये जो तीन ऑप्शन है मैं आपको लास्ट में कवर करूँगा, क्योंकि अभी ये सारा कवर कर लूँ उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन तो लास्ट में ही आता है ना भैया, क्योंकि वो हमें हार्ड कॉपी में प्रिंट देना होता है। तो दोस्तों अभी चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, ये जो एडिट का ऑप्शन है। तो यहाँ एडिट के ऑप्शन पे आ गए हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, सारा बताऊँगा एक एक करके, और कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कुछ आपको डार्क दिख रहे होंगे, कुछ आपको बहुत लो और बहुत हाई टाइप के दिख रहे होंगे, जैसे कट, कॉपी, यहाँ पर डिलीट, फिर गो टू। तो ये मतलब हाईलाइट कैसे होंगे, जब तक आप इन अपने टेक्स्ट में से जो आपने लिखा है इसमें से जब तक आप कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये डार्क या ये हाईलाइटेड नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये अभी काम नहीं करेंगे। देखिए मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहीं अंडू पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये काम कर जाएगा। अंडू पे इस वजह से काम कर जाएगा क्योंकि अभी मैंने कुछ यहाँ पे नोटपैड आगे की तरफ मैं लेके गया था, इस वजह से पीछे आ जा रहा है। तो दोस्तों अभी चलिए अंडू से शुरू करके आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई पार्ट, ये पार्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों पहले तो आप माउस से ऐसे क्लिक करके और मतलब ड्रॉ करके माउस को ये सेलेक्ट कर सकते हैं नोटपैड। एक और तरीका है सेलेक्ट करने का, उसका तरीका ये है कि आप जहाँ पे सेलेक्ट करना है वहाँ पे अपना कर्सर ले जाके माउस से एक बार क्लिक कर दीजिए। नहीं माउस से ले जा सकते हैं तो देखिए इस तरीके से एरो की से आप अपना कर्सर ले जाइए और इस तरीके से आपका कर्सर चला जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए मुझे यहाँ ले आना है तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया ले आके, उसके बाद आपको कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद आपको एरो की देखने को मिलता है चार, अप डाउन राइट लेफ्ट। तो आपको अगर राइट में जाना है, नोटपैड मेरा राइट में है तो राइट एरो ऐसे क्लिक कर देना है। तो ये मेरा सिलेक्शन हो गया उतने नोटपैड का, अब मैं इसी पे काम करना चाहता हूँ। तो दोस्तों अब मैं एडिट मेन्यू में आऊँगा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हाँ पहले मैं इस पे कुछ काम कर लूँ। तो नोटपैड मैंने सेलेक्ट कर लिया, नोटपैड सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया, हटा दिया एक मिनट के लिए। अब नोटपैड हटा दिया, अब मैंने ये लेटेस्ट में काम किया है, इस काम को मैं फिर से यहाँ से अंडू करना चाहता हूँ। तो ये जैसे ही मैं यहाँ पे अंडू क्लिक करूँगा ये काम फिर से आ जाएगा। इस अंडू का शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड प्रेस करके भी आप इसका वही काम कर सकते हैं जो आप यहाँ पे अंडू क्लिक करके कर रहे हैं। तो दोस्तों नोटपैड जो मैंने हटाया था वो फिर से आ गया, फिर से अंडू करूँगा फिर से हट जाएगा। तो ये जो हमने प्रीवियस लेटेस्ट जो काम किया है उसको डू और अंडू करने के लिए है। अंडू रीडू हम करते रहते हैं, हटाते रहते हैं, ले आते रहते हैं, बाय चांस हम कहीं काम कर रहे हैं कोई लेटर हमसे गलती से हट गया, तुरंत हम अंडू कर देंगे, तुरंत वो चीज़ें आके फिर से सेटल हो जाएंगी। तो दोस्तों ये हो गया पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया। अब चलिए जो दूसरा ऑप्शन है वो है कट का। अब दोस्तों कट क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों फिर से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे नोटपैड को। अब इसको मान लीजिए हमको कट करना है तो एडिट में आया, कट किया, अब ये यहाँ से पूरा गायब हो गया। अब इसको मैं ले आके यहाँ पेस्ट करता हूँ, सबसे लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे पेस्ट करना है मुझे, तो मैं यहाँ ले आया और यहाँ पे ऐसे क्लिक किया राइट और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दिया। तो वो चीज़ें मेरी यहाँ से मूव होके यहाँ आ गई। तो कट का हम यूज करते हैं किसी चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कराने के लिए।
तो दोस्तों अब जो तीसरा ऑप्शन है उस पर चलते हैं, तो वो है कॉपी का। फिर से हम यहाँ पे आके कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, नोटपैड सेलेक्ट किया। अब इस नोटपैड को हम कॉपी करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ से कॉपी कर लिया। अब ये यहीं पे रहेगा, इसको कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम जैसे जैसे यहाँ पे आके पेस्ट करते जाएंगे कंट्रोल वी करते हुए, तुरंत ये देखिए कंट्रोल वी पेस्ट का शॉर्टकट है। आप राइट क्लिक करके माउस से पेस्ट करके भी वही चीज़ कर पाएंगे, जैसे मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ भी पेस्ट हो ही रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये काम करता है। अब मान के चलिए मैं आपको एक इजी वर्ड्स में बता देता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि नोट पैड ही बार बार ये क्यों कर रहा है, तो ये इसे सीखना इजी है। मान लीजिए मैं ये पूरा सेलेक्ट किया, एडिट में आया और कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, फिर एडिट में गया, अगला ऑप्शन पेस्ट का है, कॉपी के बाद पेस्ट का, यही मैं आपको सिखाने वाला था। तो ये पेस्ट जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये पेस्ट पूरा का पूरा, ये वाला मैटर जो मैंने सेलेक्ट किया था, ये वाला मैटर पूरा का पूरा यहाँ आके पेस्ट हो गया। तो दोस्तों अब चाहे मैं यहाँ से डुप्लीकेट करूँ उसका, कॉपी मतलब एक चीज़ का डुप्लीकेट बनाना, बहुत सारी चीज़ें बनाना। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके भी यहाँ पर भी पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से भी पेस्ट कर सकता हूँ दोस्तों। उसके बाद भी एक ऑप्शन है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी कर दीजिए, तब भी ये वही चीज़ें पेस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे अब आपकी ये सारी चीज़ें, मतलब कॉपी पेस्ट, अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचिए, इस चीज़ को दोहराइए अगर आपने इससे पहले नहीं किया है, और नहीं तो कहीं ना कहीं तो किया ही होगा भैया, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया, पेस्ट भी बता दिया, कॉपी भी बता दिया। अब आते हैं डिलीट के ऑप्शन पर। मान लीजिए मुझे कुछ डिलीट करना है, तो दोस्तों मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इतने पार्ट को। अब ये देख लीजिए नोट पैड से लेके जुलाई तक मैंने सेलेक्ट किया है। अब मुझे इसे डिलीट करना है, तो मैं एडिट में जाके डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा एक क्लिक पे। और मैं इसे अगर डेल या डिलीट का अपने कंप्यूटर में अगर बटन दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, तब भी ये डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करके देखते हैं, ये देखिए गायब हो गया। अब गायब हो गया, अब ये चीज़ें गायब हो गई हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम डिलीट का यूज करेंगे किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके डिलीट करने के लिए। अगला जो ऑप्शन है वो है फाइंड का, फिर फाइंड नेक्स्ट का। तो दोस्तों अब इस पे बढ़ते हैं, फाइंड और फाइंड नेक्स्ट क्या होता है एक ही साथ समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए मुझे कुछ फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं एडिट में आऊँगा, तो जहाँ से आपको फाइंड करना है आपको अपना कर्सर वहीं कर देना है। मान लीजिए आपको यहाँ से कुछ फाइंड करना है, कुछ खोजना है, कोई वर्ड खोजना है, तो यहाँ कर दीजिए, यहाँ से करना है तो यहाँ कर दीजिए, यहाँ से करना है तो यहाँ कर दीजिए, यहाँ से ऊपर की तरफ करना है तो यहाँ कर दीजिए। मतलब जहाँ से भी आपको फाइंड करना है आपको अपना कर्सर ले आके वहीं पे अपना क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है कर्सर नोट पैड के लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों चलते हैं एडिट ऑप्शन पे, फाइंड में जाते हैं, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एफ है। सारा शॉर्टकट की भैया याद कर लीजिएगा, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फाइंड पे मैंने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों अब ये फाइंड पे आ गया, तो देखिए अब मुझे फाइंड क्या करना है। मान लीजिए मुझे माइक्रोसॉफ्ट फाइंड करना है, तो मैं यहाँ इजीली माइक्रोसॉफ्ट लिख देता हूँ। अब ये माइक्रोसॉफ्ट लिख गया, अब मैं इसे साइड में लेते आता हूँ। ये कैसे हो रहा है, मैं माउस को लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करा के इसे ले जा रहा हूँ, लेफ़्ट क्लिक करके माउस को जैसे मूव करेंगे वो चला जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को मैं जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे करता हूँ, तुरंत ये अगला फाइंड कर लेगा। मतलब अब माइक्रोसॉफ्ट जहाँ जहाँ है ये वहाँ वहाँ ब्लू दिखाएगा कि यहाँ यहाँ माइक्रोसॉफ्ट है भैया, यहाँ यहाँ आपके टेक्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट का यूज किया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए कैन नॉट फाइंड माइक्रोसॉफ्ट, मतलब अब इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट नहीं यूज किया गया है, और पीछे तो इसने दिखा ही दिया। तो दोस्तों अब एक बार आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिखा डाउन क्लिक इस वजह से किया, क्योंकि मुझे यहाँ नोट पैड से यहाँ डाउन नीचे की तरफ आना था, मतलब देखते हुए कि इसमें चीज़ें हैं वो जो मैं फाइंड कर रहा हूँ कि नहीं है। अगर मान लीजिए आपको ऊपर की तरफ आना है, यहाँ कर दीजिए, यहाँ अपना कर्सर ले आइए, अब ऊपर की तरफ भैया आप फाइंड करते जाइए, तो माइक्रोसॉफ्ट ऊपर की तरफ अब चलता हुआ चला जाएगा, कहाँ कहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, अब इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट नहीं है कहीं। तो ये एक सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट को नहीं खोजने का स्पेशली, मतलब किसी को भी खोजने का जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उस टेक्स्ट को लिख देंगे। अब दोस्तों मैं बताऊँगा इसका यूज कहाँ करते हैं ये भी बताऊँगा, उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो मैच केस है, एक मैच केस ये भी आप समझ लीजिए। अब ये मैच केस से मतलब होता है आप कैपिटल में लिख रहे हैं कि स्मॉल में लिख रहे हैं। मान लीजिए आप मैच केस को क्लिक कर दिया आपने, अब माइक्रोसॉफ्ट जो आपने लिखा है वो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो पहला लेटर M है वो M को आपने स्मॉल में लिखा है, और यहाँ सब जगह माइक्रोसॉफ्ट कैपिटल से शुरू हुआ है। तो आप जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करेंगे
तो दिखाएगा कैन नॉट फाइंड माइक्रोसॉफ्ट। अब ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ मैच केस लगाया है। अब जैसे हमने लिखा है ऐसे ही हमारे डॉक्यूमेंट में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कुछ होगा तभी हमको वो चीज़ें सर्च करके देगा, मैच करा के केस से देगा, और नहीं तो नहीं देगा। तो दोस्तों यहाँ पे ओके क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों अब आपने देखा मैच केस भी आप समझ गए होंगे। अब आपको बताता हूँ कि फाइंड और फाइंड नेक्स्ट का यूज कहाँ करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको एक काम मिला कि राम, एक स्क्रिप्ट लिखने को मिला राम 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 करके। तो राम 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 करके आपने एक स्क्रिप्ट लिखी भैया, और आप चाहते हैं कि मतलब बाद में ये नाम चेंज हो, और बाद में ये नाम मान लीजिए आपने लिख लिया, ठीक है, राम नाम करके आपने एक स्क्रिप्ट लिखा। अब आपको करना क्या है, आपके पास एक ऑर्डर आ गया अपने बॉस का और कहा कि अब ये भैया राम को तुम राहुल कर दो, मतलब वो राम नाम हमें पसंद नहीं है उसे राहुल कर दो। तो अब आप क्या करोगे, तो आप रिप्लेस में आओगे। तो दोस्तों रिप्लेस में आओगे, आप यहाँ रिप्लेस में आओगे, तो यहाँ जो माइक्रोसॉफ्ट है इसको हम माइक्रोसॉफ्ट को गूगल से चेंज कर देते हैं। अभी मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट को गूगल से चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ गूगल लिख दिया, वहाँ माइक्रोसॉफ्ट लिखा है। अब जहाँ जहाँ माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, जैसे यहाँ और यहाँ, तो ये सारे माइक्रोसॉफ्ट गूगल होने वाले हैं। देखिए फाइंड नेक्स्ट ये माइक्रोसॉफ्ट है, आ गया, इसको हम यहाँ क्लिक करके रिप्लेस कर देंगे। तो ये गूगल हो गया भैया, उसके बाद अगला माइक्रोसॉफ्ट ये है, तो ये रिप्लेस कर देंगे। अब आप एक एक करके करो तब भी ठीक है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। आप चाह रहे हो कि सारे के सारे जो माइक्रोसॉफ्ट हैं वो गूगल हो जाएं, मतलब आपके जो राम थे वो राहुल हो जाएं, स्क्रिप्ट चेंज हो गया है, हीरो चेंज हो गया है, तो आप सारी चीज़ों को रिप्लेस आल पे कर देंगे, तो वो सारा माइक्रोसॉफ्ट जहाँ भी था वो सब गूगल हो जाएगा। देखिए कभी गूगल था यहाँ पे नहीं था, लेकिन सारा माइक्रोसॉफ्ट गूगल हो गया। तो आपको ये रिप्लेस का ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा, इस वजह से मैंने इसी में कवर कर लिया एक एग्जांपल के थ्रू। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और फिर से एडिट में आते हैं। आप सोच रहे होंगे ये फाइंड नेक्स्ट मैंने बीच वाला बताया नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फाइंड है तो फाइंड आप वहाँ जाके फाइंड करते हैं, फाइंड नेक्स्ट आप क्लिक करते चले जाएंगे तो आप फाइंड नेक्स्ट आपका होता चला जाएगा। तो दोस्तों मान के चलिए ये फिर से मैं आपका ये सब माइक्रोसॉफ्ट लेके आ जा रहा हूँ, एक मिनट। तो आपको खोजना क्या था, आप माइक्रोसॉफ्ट खोज रहे थे। जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करेंगे आपका अगला माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि आपने फाइंड में माइक्रोसॉफ्ट लिख के रखा है, तो यहाँ से एक एक करके बस करेंगे और वहाँ से एक बार में करेंगे, यही डिफरेंस है। तो फाइंड, फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस हो गया है। गो टू ऑप्शन पे आना है, तो गो टू ऑप्शन पे आते हैं, और मैं आपको बता दूं गो टू ऑप्शन पे आने के लिए पहले फॉर्मेट से वर्ड रैप को हटाना पड़ता है। अब ये सोच रहे हैं भाई ये क्या हो गया, तो जी भैया गो टू को यूज करने के लिए हमको अपने फॉर्मेट मीनू से वर्ड रैप हटाना पड़ता है। ये जो यहाँ पे टिक थी पहले से ऐसे दिख रहा था, ये जो देखिए फॉर्मेट पे, इसको हटाना पड़ता है तभी आप गो टू का यूज कर पाते हैं। अभी देखिए ये इस पर टिक है, एडिट में जाएंगे तो ये गो टू एक्टिवेट नहीं है, मतलब इस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। अब यहाँ आप फिर से फॉर्मेट पे वर्ड रैप टिक है, अगर इसको हटाते हैं तो अब गो टू पे जैसे ही जाएंगे गो टू एक्टिवेट हो गया, मतलब ये हाईलाइट हो गया, अब ये काम करेगा। तो दोस्तों गो टू पहले समझिए, फॉर्मेट में जो वर्ड रेफ है वो मैं आगे अभी आपको बताने वाला हूँ। तो गो टू होता क्या है कि आपको एक लाइन से किसी दूसरे लाइन पे मूव करना है, उसके लिए हम गो टू का यूज करते हैं। तो यहाँ गो टू पे क्लिक किया, लाइन वन है। अब आपके पास हज़ारों लाइन आपने लिख के रखा है, ये आपका मैटर है, ये आपका काम है, आप कितना लिखते हैं क्या लिखते हैं। देखिए अनएक्सेप्टेबल करेक्टर दे रहा है, एक मिनट सॉरी। तो मान लीजिए मुझे एक ये तीसरी लाइन पे मूव करके आना है, मान लीजिए एक मिनट इसको हटाता हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पे है, मुझको तीसरे लाइन पे मूव करके आना है। तो मैं गो टू में आऊँगा और गो टू में आने के बाद मैं यहाँ थ्री क्लिक कर दूँगा, मतलब तीन, और गो टू पे चला जाऊँगा। तो यहाँ तीसरा लाइन यहाँ दिखा रहा है क्योंकि मैंने स्पेस रखा है, तो तीसरा लाइन यहाँ है। अब मुझे मान लीजिए यहाँ कहीं आना है, तो तीन के बाद ये चार होगा, पाँच छः सात, मान लीजिए आठ नौ में लिख देता हूँ। तो आपको जिस लाइन पे भी जाना है आप वहाँ लिख दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं नौवीं लाइन लिख देता हूँ, तो ये देखिए नौवीं लाइन यहाँ है, कर्सर यहाँ पे आ गया। तो मतलब आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में किस नंबर पे किस लाइन पे जाना चाहते हैं सीधा का सीधा, आप वहाँ पे डायरेक्ट गो टू ऑप्शन का यूज करके जा सकते हैं। मैं फिर से वर्ड रैप लगा देता हूँ, फिर से चीज़ें वैसे ही हो गई, आप गो टू ऑप्शन समझ गए होंगे। तो दोस्तों गो टू के बाद है सेलेक्ट ऑल, मतलब ये जो पूरा मैटर है आपको एक बार में सेलेक्ट करना है। एक तो बताया ऐसे माउस ड्रैग करके, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ऐसे करके नहीं, आपको पूरा एक बार में सेलेक्ट करना है। तो एडिट में आके सेलेक्ट ऑल क्लिक कीजिए, सब कुछ सेलेक्ट हो गया। अब इसको एक बार में
कॉपी भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसके साथ साथ इसका शॉर्टकट की ये है कि आप सेलेक्ट ऑल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एडिट में सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट भी दिखा रहा है कंट्रोल ए, तो मैं मान लीजिए कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ, तो कंट्रोल ए तब भी ये चीज़ें ऐसे ही सेलेक्ट हो जाएंगी जैसे मैं वहाँ क्लिक करके सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसके बाद अब अगले ऑप्शन में बढ़ेंगे और वो है टाइम एंड डेट का। तो टाइम एंड डेट का क्या होता है, मान लीजिए कि आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, मान लीजिए मैंने ये मैटर लिखा, अब मुझे क्या करना है कि मैंने इसको कौन से डे और डेट में लिखा है इसको स्टैम्प करना है। तो अपना कर्सर यहाँ पे ले आया, मैं अपना कर्सर यहाँ पे ले आने के बाद मैं इस पर टाइम और डेट लिख दूँ कि कब मैंने लिखा है, जिससे मुझे ये याद रहे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एडिट में आएंगे, यहाँ टाइम जो टाइम डेट का ये जो स्टैम्प है ये क्लिक करेंगे और ये आपका डेट और टाइम यहाँ पर आ गया। F5 भी क्लिक करेंगे इजली, तो F5 टाइम एंड डेट का शॉर्टकट की है, तब भी यहाँ पे टाइम एंड डेट आ जाता है। तो दोस्तों ये हो गया टाइम और डेट का पूरा मैटर, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। तो फाइल मेन्यू हो गया, एडिट मेन्यू हो गया, टाइम एंड डेट खत्म हो गया। अब फॉर्मेट पे आते हैं, अब ज़्यादा कुछ बचा है नहीं, यही दो मेन थे। फॉर्मेट पे आते हैं तो अब मैटर आ गया वर्ड रैप का। आपने सुना अभी पिछले में मैंने गो टू करने के लिए वर्ड रैप को हटाया, वर्ड रैप को फिर ले आया, तो ये वर्ड रैप होता क्या है। तो दोस्तों ये जो इतना सुंदर सुंदर पैराग्राफ आपको देखने को मिल रहा है ये वर्ड रैप की वजह से देखने को मिल रहा है। अगर वर्ड रैप आप हटा देते हैं तो जैसे ही हटाते हैं इसका पूरा का पूरा लुक चेंज हो गया, ये देखिए। तो दोस्तों हुआ यूँ कि जितनी लाइन में आपने पैराग्राफ लिखा है, मतलब समझिए एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, चार पैराग्राफ, तो ये चार पैराग्राफ आपने लिखा था, तो ये वर्ड रैप को हटाते ही ये चार पैराग्राफ एक दो तीन चार लाइन में हो गई भैया। मतलब अब ये पूरा का पूरा ऐसे हमको देखने को मिलेगा, यहाँ नीचे से आप स्लाइड करेंगे तो ऐसे देखने को मिलेगा। अब आप समझ जाइए कि वर्ड रैप में और इसमें क्या डिस्टेंस है सिंगल लाइन और पैराग्राफ का। तो वर्ड रैप फिर से मैं कर देता हूँ, तो वर्ड रैप आपको समझ में आ गया। फिर फॉर्मेट के बाद अगले ऑप्शन पर आते हैं जो सबसे डिजाइनर ऑप्शन है, मतलब ये आपका जो टेक्स्ट है ये जो पूरा लुक है वो चेंज करने वाला है। तो ये है फॉन्ट, फॉन्ट पे हम क्लिक करेंगे। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब ये जो पूरा का पूरा आपका टेक्स्ट है ये टेक्स्ट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट हैं, आप भी फॉन्ट रख सकते हैं अपने सिस्टम में, आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में। दोस्तों मैंने बहुत सारा फॉन्ट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है, तब मैं बहुत ही ईजली ये सारे फॉन्ट को देख पा रहा हूँ। मान लीजिए मुझे इसमें से कोई सा भी फॉन्ट करना है, मान लीजिए ये फॉल्ट करके जो फॉन्ट है इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, अब यहाँ ओके क्लिक कर दूंगा तो पूरा का पूरा लुक ऐसे चेंज हो जाएगा। मज़ा आया ना, हो गया डिजाइनिंग। तो इस तरीके से फॉन्ट हो गया। फिर आप फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ से फिर कुछ भी और चेंज करना चाहते हैं, मैं ये कर देता हूँ फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट। तो दोस्तों इसको जैसे ही ओके किया ये देखो ऐसे हो गया। तो मतलब ऐसे मज़ा आ जाने वाला है, इस तरीके से आप जो भी फॉन्ट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे वो फॉन्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, उस फॉन्ट को सर्च करके आप ओके क्लिक करके आप उस फॉन्ट के हिसाब से अपने पूरा का पूरा अपना आप सिस्टम कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा इंटरफेस टेक्स्ट वाला कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि फॉन्ट की कितनी बड़ी वैल्यू है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए हैं, फॉन्ट और सारी चीज़ें समझ ही गए हैं। अब आगे चलते हैं फॉन्ट स्टाइल में। अब यहाँ पे आपको बोल्ड, मतलब मान के चलिए ये नैरो बोल्ड, अब ये एरियल एक फॉन्ट है, मैंने नैरो बोल्ड कर दिया, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मुझे इसको ज़्यादा बोल्ड करना है तो फॉन्ट में आएंगे, देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। मान लीजिए बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दिया, तो ये देखिए इस तरीके से ये इतना बोल्ड हो गया। ऐसे ही आप चेंजेज करके यहाँ पे देख सीख सकते हैं, मोटा हो गया थोड़ा सा, ब्लैक ज़्यादा करना है, डार्क करना है, तो ये देखिए ज़्यादा डार्क हो गया। अब इसके बाद फिर से फॉन्ट पे आएंगे, कुछ और करेंगे, तो ऐसे हर फॉन्ट पे जिस पे आप क्लिक करेंगे सब फॉन्ट में कुछ ना कुछ ऑप्शन आपका खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों टेक्स्ट का साइज, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का साइज देखने को मिलेगा। टेक्स्ट साइज आप यहाँ से फिर से फॉर्मेट पे आते हैं मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए अभी टेक्स्ट 22 है, इस टेक्स्ट को आप 72 पे कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये देखिए बहुत बड़ा हो गया। अब आप फिर से वहीं जाके फिर से फॉन्ट पे जाके वही कर सकते हैं जैसे पहले था। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्क्रिप्ट पे आप आके यहाँ वेस्टर्न और अलग अलग तरीके का फॉन्ट आप अपना कर सकते हैं। और दोस्तों ये पूरा ऑप्शन आप खुद जितना यूज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, फिर से मैं वैसे ही आ गया। तो दोस्तों
अभी तो हम लोगों ने फॉर्मेट तक सीख लिया है, अब अगला ऑप्शन आता है व्यू का, जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन है स्टेटस बार का। तो दोस्तों अभी यहाँ स्टेटस बार ओपन नहीं है क्योंकि मैंने उस तरीके से यहाँ टेक्स्ट नहीं किया है, तो मान के चलिए अब स्टेटस बार यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों ये जो स्टेटस बार है, मतलब ये फॉर्मेट में वर्ड रैप हटा के ही गो टू भी होगा और फॉर्मेट में वर्ड रैप हटा के भी स्टेटस बार का भी ऑप्शन एक्टिवेट होने का आ जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ स्टेटस बार पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे आपको स्टेटस बार दिखने लगता है कि लाइन वन कॉलम वन, मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं आया लाइन टू हो जाएगी, यहाँ पे जैसे मैं आया लाइन फाइव हो गई, यहाँ पे कर्सर क्लिक किया लाइन सेवन हो गई, फिर यहाँ पे यहाँ देखिए लाइन नाइन हो गई, लाइन नाइन हो गई, और दोस्तों यहाँ पे फिर लाइन 11 हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं आप कौन सी लाइन पे हैं और कौन से कॉलम पे हैं। यहाँ क्लिक किया तो कॉलम 75 हो गया। तो ऐसे आप चेक करके देख सकते हैं, स्टेटस बार का सिर्फ इतना सा मतलब है कि यहाँ चीज़ें शो करने लगेंगी। तो दोस्तों ये हो गया स्टेटस बार। अभी स्टेटस बार को जैसे फिर मैं वर्ड रैप करता हूँ तो स्टेटस बार हट जाएगा, मतलब वर्ड रैप हटा के ही आप स्टेटस बार और गो टू ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अब अगला जो ऑप्शन है वो है हेल्प का। अब यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो भैया, व्यू हेल्प पे जाओगे तो आपको सीधा का सीधा इंटरनेट पे ले जाएगा, इंटरनेट खुला हुआ होना चाहिए, तो आप हेल्प यहाँ से ले सकते हैं कुछ भी लेना हो अपने नोटपैड में। तो उसके बाद आप यहाँ पे अबाउट नोटपैड में जाएंगे तो आपका नोटपैड का वर्जन वगैरह, विंडोज 10, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। इन दोनों चीज़ों का कोई खास मतलब नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आपके लिए मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ यार कि आप नोटपैड में कुछ सीखोगे, और अगर कुछ छूट भी रहा होगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे अब आते हैं, आप याद कीजिए कि मैंने कहा था कि कुछ मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट का ऑप्शन। तो दोस्तों पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट बताता हूँ। तो पेज सेटअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये सामने मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा पेपर मतलब साइज। तो आपको ये प्रिंट की सेटिंग है, ये समझ लीजिए जो हम हार्ड कॉपी प्रिंट करने वाले हैं उसकी सेटिंग है। तो ये लेटर रखना है, कैसे रखना है, A4 में प्रिंट करना है तो यहाँ A4 में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये इस तरीके से प्रीव्यू यहाँ दिखा रहा है कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट लिखा है जब ये पेपर पे छप के आएगा तो इस तरीके से आएगा। आप यहाँ पे स्टेटमेंट कर दीजिए तो इस तरीके से हो गया, प्रीव्यू ऐसे चेंज होता रहेगा। अब आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको सेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद फिर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का मोड है। तो दोस्तों पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये दो ऑप्शन होते हैं। पोर्ट्रेट मतलब ये जैसे आपको दिख रहा है ये पेपर, जैसे ही लैंडस्केप करेंगे ये पेपर इस तरीके से हो जाएगा, तो इस तरीके से प्रिंट होगा, और ऐसे पोर्ट्रेट में करेंगे तो इस तरीके से प्रिंट होगा। लेफ्ट और राइट मार्जिन है, यहाँ पर आप लेफ्ट राइट मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो इधर है लेफ्ट राइट, मान लीजिए मैं मार्जिन को यहाँ 40 कर देता हूँ, तो देखिए ये यहाँ से ज़्यादा भाग गया, मार्जिन को यहाँ से हटा देता हूँ तो ज़्यादा भाग गया। जैसे ये लेफ्ट राइट में भाग रहा है, प्रीव्यू में दिख रहा है आपको हट रहा है, वैसे ही टॉप और बॉटम भी दिखेगा। तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ हेडर और बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं। मान के चलिए सॉरी एक मिनट, ये फाइल पेज सेटर, तो हेडर और फुटर, तो ये जो हेडर है ये कितना हेडर यहाँ पे रहेगा, कितना यहाँ पे रहेगा, ये सारी चीज़ें हेडर और फुटर पे डिपेंड करती हैं। जितना ही आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार पेपर को प्रिंट आउट करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये मैंने बता दिया कि ये पेज सेटअप हमको प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है, मैक्सिमम हम यही यूज करते हैं कि कौन सा साइज का प्रिंट हमको देना है, यहीं से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको ओके करके छोड़ देते हैं। अगला जो ऑप्शन है भैया वो है प्रिंट का। अब यहाँ प्रिंट, आपने सारा मैटर लिख लिया, अब इसको हमको हार्ड कॉपी पे प्रिंट करना है, तो आपको यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है। जो भी आपका प्रिंटर होगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में कोई भी प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्टेटस, लोकेशन, कमेंट्स देखने को मिलेंगे, प्रिंट टू फाइल प्रेफरेंस, फाइंड प्रिंटर, कितनी कॉपीज आपको लेनी है, नंबर ऑफ कॉपीज आपको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब कितनी कॉपीज आपको लेनी है, यहाँ पे आपकी कॉपी सेलेक्ट हो जाएगी। करंट पेज जो सामने दिख रहा है सिर्फ उसका प्रिंट आउट लेना है कि सारे ऑल पेज का प्रिंट आउट लेना है कि जो सेलेक्ट कर रहे हैं उसका लेना है, तो ये सारा प्रिंट में कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप अप्लाई करेंगे, ये डार्क हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा जब प्रिंटर लगा होगा, फिर यहाँ से आप प्रिंट दे देंगे। देखिए प्रिंट का एक ऑप्शन मैं दे रहा हूँ लेकिन प्रिंटर मेरे पास है नहीं,
तो सेव का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई, अब लास्ट में बचता है एग्जिट, और इस एग्जिट को क्लिक करके हम नोटपैड से बाहर आ जाते हैं पूरा का पूरा तरीके से। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एग्जिट, तो ये पूछ रहा है सेव डोंट सेव, अब मुझे कोई काम नहीं है, आप लोग तो बहुत अच्छे से सीख ही चुके हैं, तो डोंट सेव करता हूँ और मैं आ गया अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों एग्जिट करके हम बाहर आ जाएंगे। अब दोस्तों ये हो गया पूरा का पूरा नोटपैड ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, ये ट्यूटोरियल आपको पूरा समझ में आया होगा। और दोस्तों जो कुछ भी नहीं समझ में आया है प्लीज़ उसको कमेंट करके मुझसे पूछिए और मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। और दोस्तों ब्रोच नाउ में जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा मकसद ही है आपको कुछ नया सिखाना, कैरियर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको एक्सपर्ट बनाना। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ गुड डे।